गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7 इंग्लिश बुक रेडियन से चैप्टर 9 दीज सिंपल थिंग्स। चैप्टर का नाम है दीज सिंपल थिंग्स। देखिए दीज का मतलब होता है ये, दीज मतलब ये, सिंपल का मतलब होता है सादा। क्या होता है? सादा बोल सकते हैं, सादा, साधारण, ठीक है। और थिंग्स मतलब चीज़ें, थिंग्स मतलब चीज़ें। तो आज का चैप्टर हम लोग का है दीज सिंपल थिंग, ये साधारण चीज़ें। सिंपल मतलब सादा या सरल। तो बेसिकली क्या है, एक पोम है। क्या है? पोम। पोयम नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? पोम। हमेशा याद रखिएगा POEM, पोम। क्या बोलते हैं? पोम। और इस पोम के जो पोएट हैं उनका नाम है रस्किन बॉन्ड। इस पोम को, दीज सिंपल थिंग्स को, आपके बिहार बोर्ड की किताब में पोएट का नाम नहीं दिया हुआ, जबकि देना चाहिए था। आ रहा समझ में? इस पोम को लिखे कौन है? तो रस्किन बॉन्ड। कौन लिखे हैं इस पोम के पोएट? कौन है? रस्किन बॉन्ड। देखिए रस्किन बॉन्ड कौन है पहले जान लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो रस्किन बॉन्ड जो हैं वो इंडियन ऑथर हैं, मतलब भारतीय हैं, कहीं बाहर के, कहीं विदेश के, इंग्लैंड के, अमेरिका के पोएट नहीं हैं। रस्किन बॉन्ड जो हैं कहाँ के पोएट हैं, कहाँ के ऑथर हैं? इंडिया के। कहाँ के हैं? इनका जन्म हुआ है 19 मई 1934। देखिए इनका जन्म है 19 मई 1934 को इनका जन्म हुआ है। अभी भी ये जीवित हैं, इनका अभी उम्र है 90 साल। जिस समय इनका जन्म हुआ था तो वो था कसौली, पंजाब स्टेट एजेंसी, ब्रिटिश इंडिया। मतलब आप सिंपल समझो कि अभी जो है ये कहाँ पड़ेगा, तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश एक स्टेट है, हम लोग कौन से स्टेट में? बिहार में है। वैसे ही रस्किन बॉन्ड जो है करंट में अभी के हिसाब से रस्किन बॉन्ड जो हैं वो कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के। भारतीय कवि हैं और वही लिखे इस पोम को दीज सिंपल थिंग्स, ये सादा या सरल चीज़ें। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे उन चीज़ों के बारे में जिनका, उन चीज़ों के बारे में जिनमें पैसा आपका नहीं लगता है। मतलब वो काफ़ी सरल चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर उस पर भी कभी हम लोग ध्यान दें, कभी गौर करें, तो वो नेचर के गिफ्ट हैं और उनको देख के आपको क्या मिलती है? खुशी। स्टार्ट करते हैं वार्मर के साथ। वार्मर में है व्हाट थिंग्स अराउंड यू मेक यू फील हैप्पी। आप देखिए व्हाट थिंग्स, थिंग्स मतलब चीज़ें, व्हाट मतलब क्या, अराउंड मतलब आपके आसपास। तो आपके आसपास आप जहां रहते हैं, जहां पे आपका घर है, स्कूल है, तो आपके घर के आसपास, आपके स्कूल के आसपास वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको देख के आपको खुशी होती है? मतलब उस उन चीज़ों को देखने पे आपको आनंदित होते हैं, आप प्रफुल्लित होते हैं, आप खुश होते हैं। उन चीज़ों का एक लिस्ट बनाना है। क्या बनाना है? लिस्ट। आइए अपने चैप्टर का स्टार्ट करते हैं कोटेशन के साथ। लिखा है सिंप्लिसिटी इज द रियल ब्यूटी। तो सिंप्लिसिटी का मतलब होता है सादगी। तो सादगी ही असली खूबसूरती है। किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को दिखावा करना नहीं चाहिए। तो चैप्टर में आपके जो किताब है स्कूल का, देखिए आपके स्कूल बुक में एक पिक्चर दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? पिक्चर। उसी को प्रिंट किए हैं। तो सामने देखिए इस पिक्चर में क्या पेड़ है, काफ़ी सुंदर सा पेड़ है, और पेड़ पे कौन बैठी है? चिड़िया। तो पेड़ है, पेड़ पे चिड़िया बैठी है, पेड़ के पीछे क्या है? इंद्रधनुष है, बच्चे खेल रहे हैं, आसपास में घास भी उगे हुए हैं। तो इन चीज़ों को भी देख के आपको खुशी मिलेगा। अगर आप ध्यान से चिड़िया की आवाज़ को सुने, चिड़िया के घोंसले को देखें, आसमान में जब बारिश के बाद इंद्रधनुष बनता है उसको ऑब्जर्व कर, उसको देखें, तो ये चीज़ें हैं जिनमें पैसा लगता नहीं है। लेकिन इन चीज़ों को अगर हम लोग गौर से देखें, इस पर ध्यान दें, इसको फील करें, तो हम लोग को अंदर से क्या होगा? खुशी होगा। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। लिखा है द सिंपलेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर बेस्ट। द सिंपलेस्ट, देखिए सिंपलेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है। सिंपल मतलब होता है सादगी या सरल। अगर केवल बोलते हैं सिंपल मतलब सरल, और सिंपलेस्ट का हो गया सबसे सरल। तो सिंपलेस्ट थिंग इन लाइफ, आपके जिंदगी में जो सिंपलेस्ट चीज होती हैं, जो सरल चीजें होती हैं, कौन कह रहे हैं ये बात? कौन कह रहे हैं? रस्किन बॉन्ड। पोएट कौन है? रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड पोएट कहते हैं कि जीवन में जो सबसे सिंपल चीज होती है, जो सबसे सरल चीज होती है, वही चीजें सबसे क्या होती है? अच्छी होती है। जो ताम झाम नहीं है, जिसमें दिखावा नहीं है, जो सिंपल चीजें होती हैं वो सबसे अच्छी चीजें
होती हैं। इन्हीं चीज़ों से हमें खुशी मिलती है, जो सिंपल चीज़ होता है, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता है, कोई अलग से कोई आपको दिखावा नहीं करना है, उन चीज़ों को देख के आपको क्या मिलता है? खुशी। और सरल चीज़ों से ही सही मायने में हम लोग आनंदित होते हैं, हम लोग उससे प्रभावित होते हैं, हम लोग खुश होते हैं। आगे लिखा है अ पैच ऑफ ग्रीन। देखिए पहले मीनिंग यहाँ लिखा है, पैच बोलते हैं भूमि का टुकड़ा को, पैच मतलब भूमि का टुकड़ा। तो पैच ऑफ ग्रीन आ स्मॉल बर्ड्स ने, कौन कौन सी चीज़ें सिंपल हैं, पहले दो लाइन का मीनिंग समझेंगे फिर आगे पढ़ाएंगे। अ पैच ऑफ ग्रीन, यहाँ पास पोएट कह रहे हैं पैच ऑफ ग्रीन का मतलब होता है जमीन का टुकड़ा। तो यानी जमीन का वो टुकड़ा, जमीन का वो हरा भरा टुकड़ा जिसपे पेड़ पौधे घास हरियाली होते हैं। आइए हम लोग क्लास से बाहर देखते हैं कि जमीन के टुकड़े को मोबाइल। तो पैच ऑफ ग्रीन का मतलब हो गया, आप बाहर देख रहे खिड़की से क्लास के, अपने स्कूल के विंडो से, कि बाहर में क्या जमीन का हरा भरा टुकड़ा है, और इस जमीन के टुकड़े पे बाहर में पेड़ पौधे हैं, घास हैं, हरियाली हैं। तो ये क्या बहुत महंगा चीज़ है? इसको देखने में पैसा लग रहा है? ये भी कैसी चीज़ें हैं? सरल चीज़ें हैं। लेकिन ये सरल चीज़ें सही मायने में हम लोग को खुशियाँ प्रदान करती हैं। ये लिखा है अ स्मॉल बर्ड्स नेस्ट। स्मॉल मतलब क्या होता है? छोटा या छोटी, और बर्ड मतलब पक्षी। तो यहाँ पास इमेज में एक छोटी सी नन्ही चिड़िया है, तो क्या आपको इसके घोंसले को देख के खुश नहीं हो रहा? तो क्या होता ना, देखिए अ स्मॉल बर्ड्स नेस्ट, ये छोटी नन्ही चिड़िया है, वो घोंसला बनाती है। घोंसला बना के एक एक तिनका जमा करके, मतलब घोंसला देखिए बनाने के लिए क्या करेंगे, पक्षी जो क्या करती है, छोटी पक्षी एक एक तिनका को इकट्ठा करके बाहर जाती है, तिनका चुन के लाती है, पहले क्या बनाती है घोंसला, फिर घोंसले में क्या देगी अंडा, फिर अंडे से क्या निकलेंगे बच्चे, फिर अंडा को सेना, बच्चे का देखभाल करना। अगर आप इन चीज़ों को सही से गौर करेंगे, अपने घर पर देखिए, अगर आपके घर पर कोई पक्षी घोंसला लगाती है, बहुत बार कबूतर वगैरह हम लोग के घर पर क्या लगाते हैं, घोंसला लगाते हैं घर के रोशनदान वगैरह में। तो अगर आप उनको गौर से देखिएगा ना, उनको तिनका लाते हुए, अंडा देते हुए, उनके छोटे छोटे बच्चे को देखिएगा, तो सही मायने में आपको क्या मिलेगी? क्या इसको देखने में कोई पैसा लगता है? तो रस्किन बॉन्ड, पोएट कौन है? तो इस पोम में, पोम का नाम है दिस सिंपल थिंग, रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हम लोग को क्या देती है, खुशी देती है। अगर हम लोग अच्छे से गौर से देखें, एक पक्षी को देखें, उसके अंडे को देखें, उसके घोंसले को देखें, छोटी नन्ही चिड़िया के घोंसले को देखते हैं, तो उससे क्या मिलता है, खुशी मिलता है। आगे है अ ड्रिंक ऑफ वाटर फ्रेश एंड कोल्ड। ड्रिंक ऑफ वाटर फ्रेश एंड कोल्ड, इसका मतलब है देखिए, जब हम लोग को प्यास लगती है, तो प्यास लगने पर हम लोग जब ताज़ा शीतल पानी पीते हैं, प्यास जब लगती है ज़ोर से, मान लीजिए आप खेलने गए हैं और खेलने के बाद आपको बहुत ज़ोर से प्यास लग गया, तो प्यास लगने पे जब आपको क्या मिल जाए, निर्मल ताज़ा स्वच्छ पानी, तो क्या उससे बढ़ के कोई चीज़ हो सकता है? देखिए इसको ऐसे समझिए, ये जो बच्चा है काफ़ी प्यासा है, ठीक है, कहीं से खेलने के बाद या किसी मजबूरी के तहत काम करने के बाद इस बच्चे को क्या लगी है, प्यास। कभी कभी आप लोग इस तरह का हालात देखे होंगे, आप लोग भी मैच खेलने के बाद, क्रिकेट खेलने के बाद प्यासे होंगे, तो कल पे पानी पीने गए हैं, तो उस समय दुनिया का सबसे अच्छा चीज़ क्या लगता है, पानी। तो वही लिखा पोम में कि अ ड्रिंक ऑफ वाटर फ्रेश एंड कोल्ड, अगर हम सही मायने में प्यासे हों और उस समय पीने के लिए क्या मिल जाए, पानी। कैसा पानी, फ्रेश मतलब देखिए, फ्रेश मतलब स्वच्छ, और कोल्ड मतलब ठंडा नहीं, कोल्ड मतलब शीतल। अगर प्यास लगने पे आपको साफ शीतल निर्मल जल मिल जाए, तो उससे बढ़ के अमृत भी नहीं है। आ रहा समझ में? तो उसके आगे लाइन में है अ टेस्ट ऑफ ब्रेड। देखिए ब्रेड का मतलब होता है पाव रोटी, रोटी, लेकिन यहाँ पास अब ब्रेड का मतलब समझिएगा भोजन। क्या समझिएगा? दोनों चलेगा, ब्रेड मतलब रोटी भी, पाव रोटी भी, और भोजन भी। तो द टेस्ट ऑफ ब्रेड, इसका मतलब हुआ कि जब हम लोग को भूख लगती है और भूख लगने पर केवल रोटी मिल जाए, जैसे जब पेट भरा होता ना है, तो हम लोग को अच्छा से अच्छा चीज़ भी अच्छा खाने में लगता, लेकिन जब आप सही मायने में क्या रहें, भूखे हों, आपको भूख लगी हो, ऐसे एक बात भी है, भूख मीठी या भोजन मीठा, आप लोग बोलिए क्या मीठा, भूख मीठी कि भोजन मीठा, भूख। जब भूख लगेगा और आपको खाने के लिए सूखा रोटी भी मिलेगा, तो भी क्या लगेगा, अच्छा। तो अगर मान लीजिए आप पूरे भूखे हैं, हम कहीं से आप खेल के आ रहे हैं, या आप घर पे कोई नहीं, आपके हैं पेरेंट्स नहीं हैं, और आपको क्या लगा है, भूख लगा है, और आपको खाने के लिए केवल क्या मिल जाए, सूखा, तो उस सूखे रोटी का भी क्या अपना उस समय अहमियत है, उसका अपना कीमत है। ये सारी चीज़ें कैसी चीज़ें हैं, सिंपल थिंग्स हैं, मतलब ये कोई आपका दिखावा नहीं है, बहुत आपका नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन इन चीज़ों से खुशी मिलता है।
आगे है अ सॉन्ग ऑफ ओल्ड। देखिए ओल्ड का मतलब होता है पुराना, तो जो पुराने गाने होते हैं आप बताइए कि ज़्यादा अच्छा कौन गाना है, आजकल का कि पुराना? जो आजकल गाना बनता है उसमें केवल फूहड़पन है, अश्लीलता है, केवल उसमें दिखावा है या उसमें केवल शोर शराबा होता है, बहुत सारा म्यूजिक रहेगा, लेकिन के गाने में केवल अश्लीलता होता है, फूहड़पन होता है, केवल शोर शराबा होगा। सही मायने में जो गाना है, जो ओल्ड सॉन्ग होते हैं, जो पुराने गाने होते हैं, जो 1970s का, देखिए 1990s, इसका समझोगे? एस मतलब होता है 10 साल, 1990s मतलब हो गया 1990 से 2000 तक, मतलब कि जो भी गाना जो है, जो बना है 2000 से पहले, सन 2000 से पहले, उन गानों का मतलब होता है, वो गाने जो होते हैं कर्णप्रिय होते हैं, मतलब कानों को सुनने में अच्छा लगता है, उसमें मधुर संगीत होता है, उन गानों का मतलब होता है। लेकिन आजकल जो गाना बन रहा है उसका कोई मतलब, कोई मीनिंग नहीं है। तो अगर आप थके हुए हैं और आप अपने मतलब काम से थक गए हैं और आपको सुनने के लिए पुराना संगीत मिल जाए, आपका फेवरेट गीत मिल जाए, तो उससे बढ़ के खुशी होगा। These are the things that matter most. ये वो चीज़ें हैं जो बहुत अहमियत रखती है। देखिए अभी क्या क्या हम लोग पढ़ें, कौन कौन सी चीज़ें, हरियाली शुरू में पढ़ें कि जो हरियाली है, मान लीजिए घर घर के बाहर या स्कूल के बाहर, आपके घर के आसपास खुले हरे मैदान हैं, खुले मैदान हैं, घर के आसपास हरियाली हो, उसमें पेड़ पौधे हों, हरे भरे घास हों, देखने में अच्छा लगता है। अच्छा पानी, आपका पक्षी का घोंसला, अगर जो पक्षी हमारे घर के आंगन में या स्कूल के पेड़ों पे या स्कूल के बगीचे में जो पक्षी घोंसला बनाती है, उसको देखने पे अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। प्यास लगने पे अगर शीतल पानी मिल जाए, भूख लगने पे रोटी मिल जाए, और थकने पे, थकावट होने पे या अपना दैनिक कार्य करने के बाद सुनने के लिए मनपसंद संगीत मिल जाए, तो उससे हम लोग क्या मिलती है, आनंद मिलती है, खुशी मिलती है। देखिए आगे है, दीज आर द थिंग्स दैट मैटर मोस्ट। अब आपको लाइफ के उन चीज़ों के बारे में बताएंगे, उन घटनाओं के बारे में बताएंगे आपको, जिनमें आपका एक रुपया भी लगता नहीं है। आपको कुछ ऐसा उदाहरण देंगे कि लाइफ में आपके ऐसा वक्त आएगा कि वो चीज़ें आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और उन चीज़ों से आपको सही मायने में बहुत खुशी मिलती है। द लाफ्टर ऑफ ए चाइल्ड, लाफ्टर मतलब क्या होता है, हंसी, लाफ्टर मतलब हंसी, और चाइल्ड मतलब बच्चा। देखिए यहाँ पास एक बच्चा है, तो इस बच्चे के मुस्कान से, इस बच्चे के हंसी से बड़ा कुछ हो सकता है। मान लीजिए कि इसके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, ठीक है, जो इसके माता पिता होंगे ऑफिस से आ रहे, क्या करके थक के आ रहे हैं, काम करके ऑफिस से आ रहे थक के, उनको सौ तरह का मान लीजिए कोई परेशानी है, टेंशन है, फिर भी बच्चे के हंसी को देख के सारा क्या करेंगे, तकलीफ को भूल जाते हैं। हम लोग के घर में क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे छोटे बच्चे अबोध होते हैं, अबोध का मतलब कि उनको किसी चीज़ का जानकारी नहीं है, घर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उससे उनको कोई पता नहीं होता है। लेकिन एक बच्चे की जो हंसी होती है, उस बच्चे की हंसी से आदमी जो है सारा क्या करता है, अपना गम दुख तकलीफ क्या होता है, भूल जाता है। तो वही पोएट लिखते हैं, लाफ्टर ऑफ ए चाइल्ड, कि एक जो बच्चे की क्या होती है, हंसी होती है, कि जब छोटा बच्चा हंसता है तो उसकी हंसी खुशी का इसका बहुत क्या होता है, अहमियत होता है। छोटे बच्चे के मुस्कान का, छोटे बच्चे की खुशी का, उसके हंसने का बहुत क्या होता है, अहमियत। छोटे बच्चे की जो हंसी है वो हम लोगों को देती है सुख और चैन, मतलब बच्चे जब हंसते हैं, तो आपके घर में भी बच्चे होंगे छोटे छोटे, और जब उन बच्चों के साथ आप टाइम बिताते हैं, खेलते हैं, तो आपको बहुत क्या मिलता है, सुख, अंदर से क्या मिलेगा, सुख चैन मिलता है, आपके मन को एक अलग तरह क्या मिलता है, खुशी। अगर आप छोटे बच्चे के साथ खेलिएगा ना, जो बच्चे 2 साल के हैं, 1 साल के हैं, 6 महीना के हैं, तो आपको दिल के अंदर से क्या होगी, खुशी होगी, आपको अच्छा लगेगा। तो पोएट भी मानते हैं कि हंसता हुआ बच्चा जो है सबको, पूरे परिवार को, एक बच्चा जो होता है वो पूरे परिवार को क्या देता है, खुशी। मतलब छोटा बच्चा जो है, जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं उन घरों में क्या होता है, हमेशा रौनक बना रहता है। आगे आप फेवरेट बुक, फेवरेट मतलब होता है पसंदीदा, फेवरेट का मतलब क्या हो गया, पसंदीदा, मनपसंद। तो अगर आपको पढ़ने के लिए आपको आपका मनपसंद किताब मिल जाए, मान लीजिए आप किसी किताब के शौकीन हैं, किसी आप मैगजीन के, किसी स्टोरी बुक के, या किसी तरह के बुक के आप शौकीन हैं, और आपको पढ़ने के लिए क्या मिल जाए, पसंदीदा किताब, आप थके हुए, ध्यान सुनिएगा, तो अगर आपको आपका पसंदीदा किताब मिल जाता है तो क्या कहना, मतलब इस बात का खुशी मतलब बहुत और बढ़ जाता है, बहुत खुशी मिलता है। और इन चीज़ों का मतलब कि इन चीज़ों का लाइफ में बहुत क्या होता है, अहमियत होता है। उसके बाद है नेक्स्ट में, फ्लावर्स ग्रोइंग वाइल्ड, फ्लावर्स बोलते हैं किसको, फूल को, ग्रोइंग मतलब क्या होता है, बढ़ना, वाइल्ड मतलब कि आपके आसपास।
तो जब आपके आसपास, आपके घर के आसपास, आपके स्कूल के आसपास जहां आप रहते हैं और उसके आसपास रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, तो क्या फूल को देख के आप लोग को खुशी नहीं होता है? फूल को देखने पे, जैसे बगीचे में, पार्क में, जैसे आप रह रहे गोह में और यहाँ पास जो पार्क है, जो स्कूल है बाहर में, तो वहाँ पास जो फूल का बगीचा होता है, तो फूलों को देखने पे खुशी होती है? तो इन फूलों का लगता है कि फूल मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, तो फूलों का खिलना वो भी क्या करता है, अपने आप में उसका भी अहमियत है। हमारे मन को जो ये फूल होते हैं, हमारे मन को शांति देते हैं, हम लोग को खुश रखते हैं। फूल को देख के दिल क्या होता है, गार्डन गार्डन हो जाता है। सिंगिंग इन ए शैडी नुक, देखिए क्रिकेट बोलते हैं यहाँ पास झिंगुर को, एक क्रिकेट होता है जो खेलते हैं मैच, ठीक है, और क्रिकेट मतलब क्या होता है, झिंगुर। देखिए ये जो कीड़ा है, इस कीड़े का नाम क्या है, झिंगुर। इसका आप लोग आवाज सुने हैं? सुने हैं, सुनिएगा। देखिए ये जो आवाज है किसका है, झिंगुर का है। तो आप लोग को सुनने में कैसा लग रहा है आवाज? अच्छा लग रहा है, मालिक उतना अच्छा ना भी लगे, लेकिन एक पोएट जब देखते हैं, जब कवि देखते हैं अपनी नजरों से, तो उनको ये आवाज भी क्या लगता, मधुर लगता। क्रिकेट बोलते हैं किसको, झिंगुर को, और ये जो आवाज आ रहा है किसका आवाज है, झिंगुर का। बोलता है दिन में कि रात में, रात में। तो नुक बोलते हैं कोना को, नुक मतलब कोना, और अंधेरे में, मतलब झिंगुर जो होते हैं। तो आ क्रिकेट सिंगिंग इन ए सैडी नुक, सैडी मतलब छाया, मतलब कि अंधकार, यहाँ पे समझना सैडी, SHADY, सैडी मतलब अंधकार, और नुक मतलब क्या होता है, कॉर्नर मतलब कोना। तो जो झिंगुर होता है वो कब बोलता है, दिन में कि रात में, रात में। तो पोएट कहते हैं, पोएट कौन है, रस्किन बॉन्ड, कहते हैं कि जब किसी अंधेरे कोने में जब झिंगुर गा रहे होते हैं, वो नहीं बोलते हैं बोल रहे हैं, पोएट के हिसाब से झिंगुर क्या कर रहे हैं, गा रहे होते हैं। तो इसका जो गाना है जो आप सुने अभी, उसका भी अपना अहमियत होता है। अ बॉल दैट बाउंसेस हाई, बॉल मतलब गेंद, बॉल बोलते हैं गेंद को, बाउंस मतलब उछलना, हाई मतलब ऊंचा। तो जब एक छोटा बच्चा गेंद से खेलता है और गेंद को कहाँ फेंकता है, ऊंचा, तो जो ऊंचा, जो ऊंचे जाते हुए बॉल होते हैं, अगर आप उसको देखिएगा बच्चे को खेलते हुए, तो उससे भी क्या मिलता है, जैसे छोटे बच्चे खेल रहे हैं तो बॉल को कहाँ फेंकते हैं, ऊपर। तो ऊपर जाते हुए बॉल को, गेंद को देखना, वो भी अपने आप में एक खुशी देता। आगे लिखते हैं पोएट, अ समर शावर, समर बोलते हैं गर्मी को, समर मतलब गर्मी, शावर मतलब, शावर मतलब क्या हो गया, बरसात, पानी की बौछार। तो जब गर्मी का मौसम आता है, जैसे गर्मी कब पड़ता है, अप्रैल, अप्रैल के बाद ही, मतलब मई, जून, जुलाई में गर्मी जब पड़ता है, काफ़ी तेज़ गर्मी हो रहा है, आसपास के जो नाले हैं, नदी हैं, तालाब हैं, सब सूख गए हैं, लोग गर्मी से बेहाल हैं, परेशान हैं। और वैसे समय में जब बारिश हो जाए, जैसे मंथ चल रहा किसका, मई जून का, मई जून जुलाई, और लोग एकदम बेहाल हैं, जानवर, इंसान, पशु पक्षी, पौधे, पेड़ पौधे, मिट्टी, पूरा मिट्टी, धरती सूख गया है, और वैसे टाइम में क्या हो जाए, बारिश, तो वो सुकून देता है, नहीं देता है। तो इन चीज़ों का क्या होता है, अपना महत्व होता है, कि जब गर्मी के दिनों में बारिश होती है और जब आपको थोड़े देर के लिए आराम मिलता है बारिश के बाद, तो उसका भी अपना अहमियत होता है। और रेनबो इन द स्काई, रेनबो किसको बोलते हैं, इंद्रधनुष को, रेनबो मतलब इंद्रधनुष। देखिए यहाँ पास जो है रेनबो है, तो रेनबो में 7 कलर होते हैं, कितना कलर होगा, 7 कलर। और इसका कारण क्या है, साइंस में पढ़ेंगे हम लोग कि रेनबो क्यों बनता है। सिंपल सा सुन लो कि जब बारिश की बूंदें होती हैं, तो बारिश की छोटी छोटी जो बूंदें होते हैं, पानी की बूंदें, समझ लीजिए ये पानी का क्या है, ड्रॉपलेट है, पानी का बूंद। और जब सूरज की रोशनी पड़ती है पानी के बूंद पे, तो ये काम करता है प्रिज्म जैसा, साइंस में कहता है डिवाइस प्रिज्म, क्या आता है, तो इसी से बनता है रेनबो, वो पढ़ेंगे हम लोग साइंस में। फिलहाल हम लोग किस में है, इंग्लिश के पोम में है। तो यहाँ पास लिखा है रेनबो इन द स्काई, जब आसमान में क्या निकलते हैं, रेनबो, रेनबो मतलब इंद्रधनुष। तो रेनबो देखने पे खुशी मिलता है, छोटे बच्चे रेनबो को देखते हैं, रेनबो हमेशा कब निकलेगा, बारिश के बाद, जब धूप निकले। तो रेनबो इन द स्काई की जो इंद्रधनुष दिखता है, तो इंद्रधनुष भी सिंपल चीज़ है, लेकिन इसको देखने पे हम लोग को क्या मिलती है, खुशी मिलती है। आगे है द टच ऑफ लविंग हैंड, टच मतलब क्या होता है, छूना, स्पर्श करना, टच का मतलब होता है स्पर्श करना, छूना। लविंग हैंड मतलब कि जो माँ बाप, दादा दादी आपको प्यार करते हैं, जैसे यहाँ देखिए एक पिक्चर में एक छोटे से बच्चे को उसको दादा क्या करिए हैं, क्या करे हैं, उठा रहे हैं। तो जब जो आपके प्रिय हैं, मतलब आपके हो सकता है पापा मम्मी, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी,
चाचा चाची, मतलब जो भी लोग आपसे प्यार करते हैं और आपको प्यार से स्पर्श करते हैं, मतलब आपको अच्छे से छूते हैं, टच करते हैं, तो वो जो स्पर्श है वो भी एक अलग सुकून देता है। मतलब जब आप बीमार पड़ते हैं या जब छोटे बच्चे हैं और आपके दादा, आपके दादी, पापा, मम्मी आपको स्पर्श मतलब छू रहे हैं, आपको टच कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपसे प्यार कर रहे हैं, तो उनका टच भी, उनका छूना भी एक अलग सुकून है। इस चीज़ को हम लोग पैसे से खरीद सकते नहीं है। जिसके भी दादा दादी जिंदे हैं, नाना नानी जिंदे हैं, मम्मी पापा हैं, तो वो लोग इस चीज़ को फील करते होंगे। तो वही लिखा है कि जब हम लोग प्रेम से हम लोग का स्पर्श करते हैं, बीमार होते हैं, हमारे माता पिता हमारी देखभाल करते हैं, हमारे केयर करते हैं, तो इस स्पर्श से मतलब इस छूने से जो हम लोग को खुशी होती है। देखिए इस तरह से हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पापा मम्मी, जब हम लोग को छूते हैं तो ये जो खुशी है, ये जो खुशी की हम लोग को अनुभूति होती है वो अनुपम है। अनुपम मतलब जो कभी ख़त्म ना हो, कि ये जो खुशी है वो क्या है, अनुपम है, कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। मतलब ये आपको आपको ज़िंदगी भर याद रह जाएगा। आपके दादा दादी गुजर जाएंगे लेकिन आपको याद रहेगा कि मेरे दादा दादी हमको कितना मानते थे। तो ये भी सिंपल चीज़ है, इसमें भी कोई पैसा लगता है क्या? आपके दादा दादी आपको प्यार करने का पैसा लेते हैं? नहीं। लेकिन ये सिंपल चीज़ है लेकिन आपको खुशी देता है। एंड टाइम टू रेस्ट लिखा है, टाइम टू रेस्ट, टाइम मतलब समय, रेस्ट मतलब आराम। जब आप दिन भर के काम से थक जाते हैं, क्या करते हैं, थक जाते हैं, और थकने के बाद आपको थोड़ा आराम मिल जाए। जैसे आप स्कूल से जा रहे पढ़ के, स्कूल से गया पढ़ के, छुट्टी आपको हो गया, जो लोग मिशन दक्ष में नहीं उनका छुट्टी हो गया 3:30 के आसपास, बाकी लोग का 4:15 में, और आपको स्कूल से जाने के बाद आपको आराम करने के लिए 2 घंटा टाइम मिल जाए या 1 घंटा, तो कैसा लगेगा? मतलब जब हम लोग थक जाते हैं और थकने के बाद थोड़ा सा टाइम मिलता है आराम करने के लिए, थकने के बाद मतलब काम से आप थक गए और आपको 15 मिनट आधा घंटा का आराम मिल जाए, कैसा लगता है हम लोग को? तो टाइम टू रेस्ट मतलब थकने के बाद, काम करने के बाद जो शरीर को आराम मिलता है वो भी एक अलग खुशी होता है। दीज सिंपल थिंग्स इन द लाइफ आर बेस्ट, ये जो सिंपल थिंग्स हैं हमारे लाइफ की वो बेस्ट चीज़ें हैं, इनको हम लोग पैसे से खरीद सकते नहीं हैं। तो सिंप्लिसिटी इज़ द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ सोफिस्टिकेशन। सिंप्लिसिटी जो है अल्टीमेट फॉर्म ऑफ सोफिस्टिकेशन, मतलब हुआ सादगी परम परिष्कार है। सादगी जो है, सादगी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। सादगी से ही मनुष्य के व्यवहार का पता लगता है। जैसे आप जितना सिंपल रहेगा तो आपके व्यवहार का पता लगेगा कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। सरल मनुष्य जो होते हैं वो जीवन में हमेशा सफल होते हैं, और वो अपने लक्ष्य को, जो सरल रहेंगे, जो दिखावा नहीं करेंगे, वो अपने ज़िंदगी के एम को पूरा करते हैं। अब देखिए लास्ट में रिकैप कर लेते हैं कि इस पोम में हम लोग क्या क्या पढ़ें। तो कौन कौन सी चीज़ है जो हम लोग को खुशी देता है? हरे भरे घास, ठीक है, पक्षियों का घोंसला, प्यास लगने पर पानी, निर्मल शीतल जल, भूख लगने पर सूखी रोटी, पुराने गाने, बच्चों की हंसी, पसंदीदा किताब, खिलते हुए फूल, झिंगुर का आवाज़, नहीं झिंगुर का गाना, और बॉल या गेंद, बच्चे जब खेलते हैं तो बॉल का हवा में जाना, गर्मी के मौसम में बारिश का होना, आसमान में इंद्रधनुष का निकलना, और थकान के बाद क्या होना, आराम, और स्पर्श किसका, माँ बाप का, जो हमारा देखभाल करते हैं, जो हमारा केयर करते हैं, जो हमारा भला चाहते हैं, उनका स्पर्श भी खुशी देता है। तो ये पोएम जो था उसका राइटर कौन है, पोएट रस्किन बॉन्ड। तो इसमें वो बताते हैं सिंपल थिंग्स के बारे में कि दिस पोम इज अबाउट, दिस इज द पोम, जो पोम पढ़े हम लोग, ये पोम लिखा गया किसका, रस्किन बॉन्ड के द्वारा, और बताते हैं कि लाइफ में बहुत सारी सिंपल थिंग्स होती है जिसको कभी कभी हम लोग नोटिस नहीं करते हैं, वी हार्डली पे अटेंशन, मतलब इन चीज़ों पे हमारा ध्यान नहीं जाता है, लेकिन यही वो चीज़ें हैं जो रियल मायने हम लोग ऑब्जर्व करें तो हम लोग को खुशी देगी। मतलब इंसान को चाहिए कि छोटी छोटी बातों में क्या ढूंढे, खुशी ढूंढे। मतलब आज के डेट में, आज के दौर में उदास होने के 1000 कारण हैं, लेकिन आप क्या कीजिए, टेंशन्स को, उदासी को एक तरफ साइड कीजिए और खुश रहने का मौका ढूंढिए। पक्षी के घोंसले को देख के, हरे भरे मैदान को देख के, खिलते हुए फूल को देख के, इंद्रधनुष को देख के, अपने दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची को देख के, और मतलब इस तरह की चीज़ों में क्या कीजिए, खुशियाँ ढूंढिए। डैट्स ऑल, थैंक यू।